हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आयोग के अंदर से ही निकले भर्ती के घोटालेबाज। यहां जैसे कि पता है आपको कि जिन कैंडिडेट्स ने पेपर लीक कराया था वो ऑलरेडी आयोग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से डिप्लॉयड थे और 15-15 लाख रुपये में बातचीत हुई थी। लगभग 60 लाख रुपये की टोटल अभी तक इनको पैसे दिए गए थे, जिसमें से 30.10 लाख ही अभी जो है रिकवर हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात के सामने आ रही है कि मास्टरमाइंड इसका कौन है। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में गोपनीय काम करने वाली एजेंसी का डेटा एंट्री ऑपरेटर और पूर्व में हटाए गए पीआरडी कर्मचारी ने 80 प्रश्न लीकर चुनिंदा आवेदकों को उपलब्ध कराए थे। हालांकि अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिगर अवेलेबल नहीं हो पाया है, ये कल एसटीएफ ने भी बताया था, और इस पे जांच होगी तभी जाके जो है इसमें जो है एग्जैक्ट जो है फिगर मालूम चलेगा। तो आप देख सकते हैं आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया का ये जो है एम्प्लॉय था, जो कि 2015 से ही आयोग में कार्यरत था। तो आप देख सकते हैं कि 2016 में भी बीडीओ बीपीडीओ का मामला जो है घोटाले में आया था, उसकी भी री एग्जाम हुए थे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम मामले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट के संचालक थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पर भी जो है बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स छहों के छह जो कैंडिडेट्स में पकड़े गए हैं सबकी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल है। उसके अलावा दो कैंडिडेट ऐसे हैं इसमें जिनमें आप देख सकते हैं जो कि टॉप 15 की रैंक में, आई थिंक एक 42 और एक 58 के आसपास इसमें सेलेक्टेड है, और एक ऑलरेडी उत्तराखंड हाई कोर्ट में शायद डिप्लॉयड है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में जो है तमाम तरह की यहाँ पर धांधलियाँ जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बात कर लेते हैं कोचिंग संस्थान की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोचिंग संस्थान पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो डेल्टा कोचिंग सेंटर के कुछ युवा भी इसमें जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं गिरफ्तार आरोपियों में शामिल कुलवीर करणपुर स्थित डेल्टा कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर है। उसने परीक्षा के लिए ऐसे छात्र चुने जो आसानी से 15 लाख रुपया चुका दें और जानकारी भी बाहर न जाए, सब कुछ सही तरीके से हो गया। हालांकि ज्वाइनिंग से पहले ही मामला खटाई में पड़ गया। और उसके अलावा यहां पर जो दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि यहां पर चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ जल्द होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एसटीएफ ने आरोपियों से कई उन छात्रों की जानकारी जुटा ली है जिन्होंने इसके जरिए परीक्षा दी। इनमें लगभग सभी का चयन होने की बात सामने आ रही है। एसटीएफ की टीम जल्द ही इनसे पूछताछ शुरू करेगी। इसके लिए गढ़वाल और कुमाऊं के लिए एसटीएफ की ओर से अलग अलग टीमें तैयार की जा रही हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती में जो है गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। स्पेशली जो कैंडिडेटों ने पैसे दिए थे उनके जो सेंटर थे दून, हरिद्वार, कुमाऊं में थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पाए गए थे। और जैसे कि ये मामला बताया भी गया था कि जसपुर से तमाम जो है कैंडिडेट एक स्पेसिफिक एरिया से काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है सेलेक्टेड हुए हैं। तो किस तरह से बड़ी मात्रा में यहाँ अनियमितताएँ बीडीओ बीपीडीओ यानी कि स्नातक स्तर की भर्ती में हुई है, तो आप देख सकते हैं आयोग के भीतर से ही ये जो है पेपर लीक हुआ है। अब जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे खड़ा हो गया है। अब जो है कहीं ना कहीं आयोग के सचिव या फिर अध्यक्ष जी को आगे आकर इस मामले में पूरी जो है स्पष्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हाँ, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वाकई में कि क्या एक्चुअल में पेपर अंदर से लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो कंपनी है आरएम टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया, इसके एम्प्लॉय का काम तो नहीं हो सकता है अकेले, ये आप मान के चलिए। और ये आप समझ भी रहे होंगे कि बिना किसी बड़े मास्टरमाइंड के ये गेम नहीं खेला जा सकता है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम रेगुलर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।